everyone, welcome back to my channel. I am Khushi from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter 6 of class 5th English Sunbeam. Chapter is the divided horse cloth, means घोड़े के कपड़े को अलग करना. ये chapter पूरा based है एक family पर, ठीक है. और उस main chapter का जो motive है वो ये है कि horse cloth को divide करना. फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़े बहुत कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी. फर्स्ट इज डिवाइडेड. डिवाइडेड मीन्स अलग करना. सफर्ड. सफर्ड मीन्स सामना करना पड़ा या किस चीज़ का सामना करना. टाउन. टाउन मीन्स नगर जहाँ पर हम रहते हैं. ईयर्स पास्ड बाय. ईयर्स पास्ड बाय का मतलब होता है स्टूडेंट साल बीत गए, मीन्स कुछ ईयर्स बीत गए. होनेस्ट. होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार. पोलाइट. पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, मीन्स जिसके पास गुड मैनर्स हो और वो सबकी रिस्पेक्ट करें. मर्चेंट. मर्चेंट मीन्स होता है सौदागर. डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा. क्रियूल. क्रियूल मीन्स होता है निर्दयी. स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 द डिवाइडेड हॉर्स क्लोथ, मीन्स हॉर्स क्लोथ का मतलब होता है हॉर्स के कपड़े, उसको अलग करना. वंस देयर लिव्ड ए मैन विद हिज वाइफ एंड एन ओनली सन. एक समय की बात है कि एक आदमी अपनी वाइफ के साथ और अपने सन के साथ रहता था. ही वॉज क्वाइट रिच, और वो बहुत पैसों वाला था, मीन्स वो बहुत ही अमीर था. ही लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और बहुत खुश था. बट देन वन डे ही सफर्ड बिग लॉस इन हिज बिजनेस, लेकिन एक दिन उसके बिजनेस में, उसके व्यापार में उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, मीन्स उसके व्यापार में उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया. ही हैड टू लिव द टाउन विद हिज फैमिली. अब उसने वो नगर छोड़ दिया जहाँ पर वो रहता था, उसने वो नगर छोड़ दिया अपनी फैमिली के साथ. ही स्टार्टेड लिविंग इन अनदर टाउन. अब उसने दूसरे नगर में रहना शुरू कर दिया था. अगेन ही वर्कड वेरी हार्ड. उसने दोबारा मेहनत की, बहुत वर्क हार्ड किया. ईयर्स पास्ड बाय, और कुछ साल बीत गए. ही वॉज ऑलवेज होनेस्ट एंड पोलाइट टू अदर्स. वो सबके साथ होनेस्ट रहता था, मीन्स हमेशा सबके साथ ईमानदार रहता था और सभ्य रहता था. पोलाइट मीन होता है सभ्य, मीन्स सबके प्रति रिस्पेक्ट रखता था. ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, और वो बहुत पैसा कमाने लग गया था. द पीपल ऑफ द टाउन रिस्पेक्टेड हिम. जो नगर के लोग थे वो सब उसके बहुत रिस्पेक्ट करते थे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो यही है कि ये जो मैन है ये अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ और अपने सन के साथ खुशी खुशी रहता था. एक दिन अचानक इसके व्यापार में, इसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसने वो नगर छोड़ के उसने दूसरे नगर में रहना शुरू कर दिया. आफ्टर सम ईयर्स द मर्चेंट्स वाइफ डाइड. कुछ साल बाद उसकी वाइफ मर गई, मीन्स ये जो लेडी है इसकी वाइफ ये मर गई. हिज सन हैड ग्रोन अप इनटू ए हैंडसम यंग मैन. अब इनका जो बेटा था, ठीक है, ये जो बेटा था इनका, अब ये ग्रो होने लग गया, मीन्स बढ़ने लगा और एक हैंडसम यंग मैन बन गया. ही फाउंड ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर हिज सन. वो उनके जो फादर थे, ठीक है, वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर वाइफ ढूंढने लगे, मैं एक सुंदर लड़की ढूंढने लगे जिससे उनके शादी करवा सके. बट द गर्ल्स फादर सैड यू विल हैव टू ट्रांसफर ऑल यूर वेल्थ टू यूर सन एंड माई डॉटर ओनली, देन आई विल अलाउ दिस मैरिज. उन्होंने अपने अपने बेटे के लिए एक बहुत सुंदर लड़की को मतलब ढूंढा, लेकिन जो लड़की के पिता थे, मीन्स लड़की के जो फादर थे, उन्होंने एक शर्त रखी, एक डिमांड रखी कि आपको अपनी सारी वेल्थ, ठीक है गाइस, वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत, जिनकी जितनी भी आपके पास धन दौलत है वो आपको मेरी बेटी और अपने बेटे के नाम करनी होगी, तभी मैं इस मैरिज को, मीन्स इस शादी के लिए हाँ करूँगा. द ओल्ड मर्चेंट लव्ड हिज सन डियरली. वो अपने जो ओल्ड मर्चेंट था वो अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. सो ही सैड आई विल डू एज यू डिज़ायर. तो उसके पापा ने कहा कि आप जो कहोगे, आपकी जो इच्छा है मैं वही करूँगा. Thus the merchant's son was married to the beautiful girl. अब उसके बेटे की शादी उस ब्यूटीफुल लड़की के साथ हो गई.
इन बिगिनिंग फॉर टू ईयर्स दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। शुरुआत में शादी के 2 साल बाद, मतलब स्टार्टिंग में, वो उनकी फैमिली बहुत खुशी खुशी रहती थी, वो सारे बहुत हैप्पीली रहते थे, साथ में रहते थे। इस सन वॉज बोर्न टू देम, अब उन्होंने उनके बेटे और उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। दे नेम्ड हिम जोसेफ, अब उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा जोसेफ। द मर्चेंट वॉज नाउ एन ओल्ड मैन, अब जो मीन्स सौदागर था जिन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, अब वो बहुत ही बूढ़े आदमी हो गए थे, मीन्स ओल्ड मैन हो गए थे। हिज डॉटर इन लॉ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम बैडली, शी वुड इंसल्ट द ओल्ड मैन फॉर नो रीज़न। उनके जो बहू थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो उन्होंने अपने मतलब ससुर को, ठीक है, फादर इन लॉ को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। शी वुड इंसल्ट द ओल्ड मैन फॉर नो रीज़न, वो अपने पिताजी की मीन्स अपने ससुर की विदाउट नो रीज़न, मीन्स बिना किसी रीज़न के उनकी इंसल्ट करती रहती थी। द पुअर मैन वुड सिट अलोन इन ए कॉर्नर एंड क्राई, जो पुअर मैन थे, ठीक है, जो ओल्ड मैन हो गए थे, अब वो एक कॉर्नर में बैठे रहते अकेले और रोते रहते और सोचते रहते, आई शुड नॉट हैव गिवन अप माई ओल्ड फॉर दीज पीपल, आई शुड हैव केप्ट बैक समथिंग फॉर माई ओल्ड एज। उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना सारा पैसा, मीन्स जो मेरे पास था, मेरी धन दौलत, मुझे इन लोगों के नाम नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने बैग के लिए, मीन्स अपनी ओल्ड एज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे मुझे बचा के रखने चाहिए थे। सेवरल ईयर्स पास्ड इन दिस वे, इसी बात को मतलब ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। द मर्चेंट वॉज नाउ वेरी ओल्ड, अब जो वो मर्चेंट था, मीन सौदागर था, वो और बूढ़े हो गए थे। ही वॉज बेंट विद हिज एज, वो अपनी उम्र के साथ साथ बूढ़े होते जा रहे थे और बेंट होते जा, मतलब झुके जा रहे थे। हिज ओनली हैप्पीनेस वॉज द कंपनी ऑफ हिज ग्रैंडसन हु हैड ग्रोन अप, उनकी जो खुशी की एक कंपनी थी, मीन जिनके साथ उनको खुशी मिलती थी, उनके सिर्फ ग्रैंडसन की कंपनी थी जिनका नाम था जोसेफ, वो भी अब बड़ा होने लग गया। द ओल्ड मैन डॉटर इन लॉ वॉज अ हॉरिबल वूमेन, जो ओल्ड मतलब जो ओल्ड मैन था, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, मीन्स उनकी जो बहू थी, वो बहुत ही हॉरिबल वूमेन थी, मीन्स एक ड्रावनी औरत थी। शी ट्रीटेड हिम वेरी बैडली, वो उनको बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार करती, उनको ट्रीट करती थी। वाई डोंट यू सेंड हिम अवे, शी वुड से टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, मीन्स उस लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम इनको कहीं भेज दें, ठीक है। आई कांट कुक फूड फॉर हिम, मैं इनके लिए खाना नहीं बना सकती, मीन्स बहू ने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तुम अपने पापा को कहीं भेज दो, मैं इनके लिए खाना नहीं बना सकती। द सन टू डिड नॉट केयर मच फॉर हिज फादर नाउ, अब उनके बेटे को भी अपने पापा की, मीन्स अपने पिता की कोई फिक्र नहीं थी। वन डे ही सैड टू हिम, एक दिन उन्होंने कहा, मतलब अपने मतलब बेटे ने अपने बाप से कहा कि फादर फॉर 12 ईयर्स वी हैव गिवन यू फूड एंड क्लोथ्स, मीन्स 12 साल से हम आपको कपड़े और खाना दे रहे हैं, नाउ वी कांट कीप यू एनी लॉन्गर, अब हम आपको और नहीं सह सकते, यू विल हैव टू गो एंड लुक फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। उन्होंने मतलब बेटे ने ही कहा कि हम आपके लिए और नहीं कर सकते, हम आपको 12 साल से खाना और कपड़े दे रहे हैं, हम आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते, अब आप जाओ और अपने लिए कुछ और कहीं और जगह देख लो। वेयर शैल आई गो सन, सैड द ओल्ड मैन, तब ओल्ड मैन ने आंसर दिया कि वेयर शैल आई गो सन, मीन्स बेटे मैं कहाँ जाऊँगा, हु विल कीप मी इन माई ओल्ड एज, अब मेरा इस ओल्ड एज में कौन ध्यान रखेगा। आई डोंट नो ऑल दैट, सैड द सन, यू विल हैव टू गो, फिर सन ने आंसर दिया कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ भी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। द ओल्ड मैन वॉज इन टीयर्स, अब जो ओल्ड मैन था, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है, टीयर्स में तो आंसू आ गए थे। सन ही सैड, ठीक है, उन्होंने बोला बेटे, फिर आके उन्होंने बोला, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, मीन्स बाहर बहुत ठंड है, प्लीज़ गिव मी सम क्लोथ, मतलब बाहर बहुत ठंड है तो आप मतलब तुम मुझे कुछ कपड़े दे दो। डू यू थिंक वी हैव ओपनड ए क्लोथ मिल, सैड द क्रूअल डॉटर इन लॉ, उनकी जो मतलब निर्दयी मतलब बहू थी, ठीक है, उसने बोला कि हमने यहाँ पर कोई कपड़ों की मिल थोड़ी ना खोली हुई है, ठीक है, गो अवे यू ओल्ड हो, उसने कहा अपने ससुर से कि तुम यहाँ से चले जाओ, बूढ़े सुअर हो को कहते हैं सुअर, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज शोक्ड, मीन जो ओल्ड मैन थे वो शोक में आ गए थे। ही एट वंस गॉट अप टू लीव, अब वो तैयार हो गए थे, उनको जाना पड़ेगा। हिज ग्रैंडसन वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर, ठीक है, उनका जो ग्रैंडसन था वो डोर पर खड़ा था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनका मतलब ये बेटा है और ये अपने पापा से कह रहे हैं, और ये जो इनका ग्रैंडसन है जोसेफ, वो सारी बातें सुन रहा है, ठीक है।
ही हैड बीन वॉचिंग एवरीथिंग बट ही सैड नथिंग। वो सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। जोसेफ सैड हिज फादर, ठीक है, उसके फादर ने जोसेफ को कहा कि जोसेफ गो टू द स्टेबल एंड गिव योर ग्रैंडफादर द न्यू हॉर्स क्लोथ। जहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं उसको कहते हैं स्टेबल, और अपने दादाजी को एक न्यू हॉर्स क्लोथ मीन्स एक जो मतलब हॉर्स के ऊपर कपड़ा डालते हैं वो दे दो नया। आई बॉट इट ओनली लास्ट मंथ, मैंने उसको लास्ट महीने ही खरीदा था। जोसेफ लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सैड ग्रैंडफादर कम विद मी। जोसेफ ने अपने ग्रैंड मतलब अपने दादाजी की ओर देखा और कहा कि दादाजी आप मेरे साथ चलिए। द ओल्ड मैन वॉकड विद हिज ग्रैंडसन टू द स्टेबल, अब जो ओल्ड मैन था वो अपने ग्रैंडसन के साथ स्टेबल तक पहुँच गया। द बॉय फाउंड द न्यू हॉर्स क्लोथ देयर, वहाँ पर मतलब जोसेफ ने मीन्स उनके पोते ने अपने दादाजी के लिए एक न्यू हॉर्स क्लोथ खरीद देखा। देन ही टुक ए नाइफ एंड डिवाइडेड द हॉर्स क्लोथ इंटू टू हाफ्स, अब उसने एक नाइफ उठाया मीन्स एक चाकू उठाया और उस हॉर्स क्लोथ को डिवाइड कर दिया, बीच में से टू हाफ कर दिया, उसने टू हिस्से कर दिया। ही गिव ओनली वन हाफ टू हिज ग्रैंड फादर एंड कैप्ट द अदर विद हिमसेल्फ, उसने वन हाफ अपने दादाजी को दे दिया और वन हाफ उसने अपने पास रख लिया। चाइल्ड सेड द ओल्ड मैन व्हाई हैव यू कट ऑफ द हाफ क्लोथ, ओल्ड मैन ने कहा कि बेटे तुमने ये इसको आधा क्यों काटा है। डिड नॉट यूर फादर टेल यू टू गिव मी द होल पीस, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बोला था कि मुझे पूरा पीस चाहिए। आई विल गो एंड टेल हिम व्हाट यू हैव डन, अब मैं और तुम्हारे पापा के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि तुमने क्या किया। जोसेफ ओनली स्माइल, जोसेफ ने कोई आंसर नहीं दिया, ओनली वो मुस्कुराता रहा। द ओल्ड मैन वेंट बैक टू हिज सन, ओल्ड मैन अपने बेटे के पास वापस आया। ही कंप्लेन टू हिम व्हाट जोसेफ हैड डन, उन्होंने उसकी कंप्लेन की मतलब अपने बेटे से कंप्लेन की कि जोसेफ ने क्या कर दिया, क्या डन कर दिया। जोसेफ गिव हिम द अदर हाफ ऑल्सो सैड हिज फादर, जोसेफ को उसके पापा ने कहा कि तुम इनको पूरा हाफ दे दो मीन्स पूरा दे दो हॉर्स क्लोथ, हमें आधा भी नहीं चाहिए। विल यू डू विद हाफ द हॉर्स क्लोथ, मीन्स तुम इस आधे टुकड़े का, ठीक है, मीन्स हाफ क्लोथ हॉर्स क्लोथ का क्या करोगे। आई विल गिव इट टू यू व्हेन यू गेट ओल्ड सैड जोसेफ वेरी बोल्डली, उसने ये आंसर दिया जोसेफ ने अपने फादर को कि मैं ये आपको दूंगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। आई विल आस्क यू टू लिव द हाउस वन डे जस्ट एज यू हैव आस्क्ड यूअर फादर, उसने कहा कि मैं भी आपको ऐसे ही कहूँगा कि आप घर छोड़ दो जैसे कि आज आप अपने फादर को कह रहे हैं। देन आई विल नीड दिस हॉर्स क्लोथ टू गिव इट टू यू, इसलिए मुझे इस हॉर्स क्लोथ की ज़रूरत है आपको देने के लिए, ठीक है। हिज फादर एट वंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसके फादर को अपनी गलती रियलाइज हो गई मीन्स अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई। ही फेल एट द ओल्ड मैन्स फीट एंड सैड फॉरगिव मी फादर, ठीक है, वो उनके पैरों में गिर गया और कहने लग गया कि फॉरगिव मी फादर, कि मुझे माफ़ कर दो पापा, ट्रूली आई हैव बीन वेरी क्रूएल टू यू, कि सच में मैं आपके साथ बहुत ही निर्दयी हो गया था, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यू नीड नॉट गो एनी वेयर, अब आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल लिव विद अस ऑल योर लाइफ, आप पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहोगे। Everything in the house is yours. हमारे घर में जो कुछ भी है वो सब आपका है। Please live with us and don't go away. Please आप हमारे साथ ही रहो और आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Surely my son will treat me as I treat you now. ये श्योर है कि जैसा मैं आपको ट्रीट करूँगा वैसा ही मेरा बेटा भी मुझे ट्रीट करेगा। And his tears washed off his sins. ठीक है, अब उसने उसके मतलब tears को उनके आंसू को पहुँचा। The old man took him in his arms and kissed him. Old man ने अपने बेटे को अपने arms में लिया और उनको kiss किया। He kissed his grandson also. उन्होंने अपने grandson को भी kiss किया। He advised him to be respectful to his parents. उन्होंने मीन्स उनके दादाजी ने अपने पोते को ये advice दी कि आपको हमेशा अपने parents की respect करने चाहिए। Good days started once again for the old man. ओल्ड मैन के लिए गुड डेज मीन्स अच्छे दिन फिर शुरू हो गए थे। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, अब वो खुशी खुशी साथ में रहने लग गए थे। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की और हमसे जो बड़े हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी।